JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब पाक फौज को आवाम को लड़वाना चाहते हैं, तसादुम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले भी नुकसान पहुंचाया, अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, वो ये कहते हैं हमारा झगड़ा इमरान खान से नहीं है, हमारा झगड़ा जो है जो इमरान खान का है। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे, अगर ये इनके पीछे से नहीं हटेंगे, वरना JHQ के लाहौर पिंडी के पास एक धरना देंगे। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान के लोगों का, कह रहा मत चढ़ मलंग को, इस मुल्क में तबाही करना चाहते हैं, पाक फौज को और आवाम को मौलाना साहब लड़वाना चाहते हैं और खुद साइड पर हो जाएंगे। मौलाना साहब ये हरकतें ना करें, जो भी आपके पीछे ताकत है, जो भी आपको हिदायत दे रहा है, वो इस मुल्क का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है, जो ये आप सब करवा रहा है। ऐसा लगता है आपके पीछे इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, जिस तरह के आप बयानबाजी करते हैं, इदारों पर तंकीद करते हैं, पाक फौज को बदनाम करते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, आवाम को न लड़वाएं पाक फौज से, तसादुम की तरफ मत ले इस मुल्क को, वरना मौलाना साहब की सूरत हाल बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि आप लड़वाना चाहते हैं पाक फौज को और आवाम को। और इंशाल्लाह ताला आवाम ना पाक फौज से लड़ेगी, ना फौज कभी आवाम के साथ लड़ेगी। सियासी जमातें अपना मफाद पूरा कर रही हैं, अपना जो भी इनका हिसाब किताब पूरा करके साइड पर हो जाएंगे। अब तक रहते नहीं, अल्लाह हाफिज़।